हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौत का इंजेक्शन, यानी कि जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जिंदगी मौत के कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसका आप अगर सही इस्तेमाल नहीं करें या पेशेंट को अच्छी तरीके से डायग्नोज नहीं करें, उसको पहचान नहीं करें कि कौन से कंडीशन में दें, तो ये मरीज को मौत के घाट भी उतार सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि मरीज को काफी हाई रिएक्शन हो सकता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। तो इन इंजेक्शन को आमतौर ज्यादातर डॉक्टर यूज करते हैं। ये इंजेक्शन ऐसा इंजेक्शन है कि जिसका इस्तेमाल हर MBBS लेवल से लेकर रूरल क्षेत्र में, यानी कि जो गली मोहल्ले के डॉक्टर हैं, उनके पास भी यूज होता है। फिर भी इस इंजेक्शन को जिंदगी मौत का इंजेक्शन क्यों कहते हैं? तो आइए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि डाइक्लोफेनस इंजेक्शन, जो आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से अल्ग अलग मिल जाता, लेकिन साल्ट जो सबका होता है वो डाइक्लोफेनस ही होता है, और ब्रांड नेम बदल सकता है, जैसे कि डाइनापार, डिक्लोटाल। तो ये इंजेक्शन एक बॉडी के लिए, बेनिफिट के लिए बहुत फायदेमंद भी है, और अगर इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा नुकसानदायक भी है। दूसरा जो इंजेक्शन है वो डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है और इसका जितने ज्यादा बेनिफिट है तो उतने ज्यादा गंभीर परिणाम है। ये इंजेक्शन 95% डॉक्टर यूज करते हैं और हम कह सकते हैं कि 99% डॉक्टर यूज करते हैं, 1% डॉक्टर नहीं यूज। अब ये मौत का इंजेक्शन कैसे है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट के लेफ्ट साइड में पेन है चेस्ट में, और उसको हाई पसीना आ रहा है, और उस कंडीशन में आपने अगर डेक्सामेथासोन या डाइक्लोफेनस इंजेक्शन लगा दिया तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्योंकि ये इंजेक्शन अगर हार्ड वाले पेशेंट को दे दें आप, तो उसके लिए मृत्यु भी साबित कर सकता है, और अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके अगर लेफ्ट साइड में दर्द है चेस्ट में और उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, घबराहट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसे ही आपका डेक्सामेथासोन आता है, इसके भी यही है कि जिस पेशेंट को लेफ्ट साइड में दर्द है और उसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और बेचैनी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन नहीं यूज करते। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं कि डाइक्लोफेनस में डेक्सामेथासोन मिलाकर भी यूज करते हैं। तो ये इंजेक्शन जब किसी भी पेशेंट के, आप आमतौर पे क्या होता है, देहाती क्षेत्र में जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तो हम दर्द के लिए पेन किलर मेडिसिन दे देते हैं उनको और इंजेक्शन में डाइक्लोफेनस वगैरह लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर कोई पेशेंट आए तो उसका BP चेक कर लेना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से देख लें कि इसकी जो पेन है वो किस साइड में है और किसके सिम्टम्स लग रहे हैं। अगर आपको 1% भी ऐसा डाउट हो कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या पेशेंट का BP हाई रह रहा है, तो उस कंडीशन में डाइक्लोफेनस इंजेक्शन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और दूसरा क्या है कि जिस पेशेंट को BP बढ़ने की शिकायत रहती है, BP बढ़ा रहता है, उस पेशेंट को डाइक्लोफेनस या डेक्सामेथासोन इंजेक्शन नहीं दें, क्योंकि ये इंजेक्शन BP को और ज्यादा बढ़ा देंगे। जब पेशेंट का और ज्यादा BP बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का खतरा रहता है और हार्ट अटैक होने की संभावना भी बनी रहती है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 99% डॉक्टर इंजेक्शनों का यूज करते हैं। जैसे कहीं स्टोन है, गैलवेनेटर में स्टोन है या किडनी स्टोन है, तो उसके लिए या कोई इंजरी चोट वगैरह लग जाती है, तो दर्द को रोकने के लिए इंजेक्शन डाइनापार या डाइक्लोफेनस यूज किया जाता है। अगर आपने किसी पेशेंट के BP हाई हो रहा है और उस कंडीशन में यूज कर लिया, तो आप इसका इस्तेमाल बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। शुगर वाले पेशेंट को ना इस्तेमाल करें इनका। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन कुछ परिणाम ऐसे आ जाते हैं, कुछ गंभीर समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। तो ये जिंदगी मौत के इंजेक्शन इसलिए ही कहलाए जाते हैं। आगे भी बताते हैं आपको, नई वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं।